लखनऊ पुलिस कमिश्नर ऑफिस में महिला सिपाही से छेड़छाड़, बोली हेड कॉन्स्टेबल ने अभद्रता की। विरोध पर बोला, मनचाही पोस्टिंग करा देंगे, बस मान जाओ। दोस्तों आपको बता दें, जिस पुलिस पर हमारी आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसी पुलिस के कमिश्नर ऑफिस में एक महिला सिपाही से छेड़छाड़ की गई है। चिराग तले अंधेरे का ये मामला राजधानी लखनऊ का है। बाराबंकी से ट्रांसफर होकर लखनऊ पहुंची महिला सिपाही को पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में आमद यानी पोस्टिंग करवानी थी। गुरुवार यानी रक्षाबंधन के दिन वो कमिश्नर ऑफिस पहुंची। त्यौहार की वजह से ऑफिस में छुट्टी जैसा माहौल था। महिला सिपाही का कहना है कि वहां तैनात पुलिसकर्मी ने उनके साथ छेड़छाड़ की। जब उसने इसका विरोध किया तो मनचाही पोस्टिंग कराने का लालच देने लगा। फिलहाल महिला ने पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद ज्वाइंट डीसीपी कानून व्यवस्था आकाश कुलहरी ने पूरे मामले की जांच के आदेश डीसीपी सेंट्रल को दे दिए हैं। पीड़िता ने बताया है कि मेरी तैनाती बाराबंकी में थी, कुछ दिन पहले ट्रांसफर लखनऊ हुआ था, इसके बाद मुझे पोस्टिंग करवानी थी। इसके लिए पता किया तो पुलिस कमिश्नर ऑफिस के कमरा नंबर 57 से होने की जानकारी मिली। रक्षाबंधन के दिन कमिश्नर ऑफिस पहुंची तो वहाँ ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे, वहाँ पर एक हेड कॉन्स्टेबल मौजूद था। उससे पूरी बात बताई तो उसने कुर्सी पर बैठाया। बातचीत के दौरान वो कुर्सी से उठा और अभद्रता करने लगा। पीड़िता ने कहा कि जब मैंने इसका विरोध किया तो वो मनचाही पोस्टिंग दलाने का लालच देने लगा। कहने लगा कि जहाँ चाहोगी वहाँ पोस्टिंग दला देंगे, बस बात मान जाओ। इसके बाद में वहाँ से चुपचाप निकल गई। दूसरे दिन शुक्रवार को कमिश्नर ऑफिस पहुंची और मामले की जानकारी बड़े बाबू को दे दी। दोस्तों आपको बता दें, पीड़िता के मुताबिक हमने बड़े बाबू से कहा कि हेड कॉन्स्टेबल को बुलाकर के फटकार लगाइए, उस पर कार्रवाई कीजिए। तब बड़े बाबू ने लिखित में शिकायत कराने के लिए कहा। इसके बाद हमने लिखित शिकायत भी की, इसके बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि सभी लोग मिलकर के मामले को दबाने में जुट गए हैं। पीड़ित महिला सिपाही ने बताया है कि बड़े बाबू ने मोबाइल में सिपाही की तस्वीर दिखाई तो हेड कॉन्स्टेबल मोहम्मद जावेद की निकली। उस वक्त आरोपी कमरे में मौजूद भी था। अगर मामले की सुनवाई नहीं होती तो वो उच्च अधिकारियों तक शिकायत करेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, लखनऊ में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट RIC के महिला सिपाही का फूट फूट करके रोने का वीडियो 2 महीने पहले सामने आया था।